हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास जो है रेडमी का फ़ोन है या तो फिर पोको कंपनी का फ़ोन है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जब आप लोग जो है ऐप लॉक वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप हाइड करके यहाँ पे एक जो है और ऑप्शन आता था जहाँ पे आप लोग जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाते थे। बट गाइज, वो जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करके देखेंगे तो ऐप हाइड का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे उस वाले सेटिंग को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, अगर आपने अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा या तो फिर MIUI का जो अपडेट आता है उसको अगर आपने किया है, तो गाइज़ वो जो लेटेस्ट वर्जन का अपडेट है उसमें जो है ये जो फीचर्स है वो यहाँ से हटा दिया गया है। ओके, बट अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इस तरीके से हिडन एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप लोग हिडन ऐप्स लिखेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली वही वाला जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन वगैरह हाइड करते थे तो वो पेज यहाँ पे आपके फ़ोन पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से हाइड कर सकते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए थे कि वहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो वो जो है, अगर आपने फ़ोन को अपडेट वगैरह किया होगा तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्च करके इसको हाइड करना पड़ेगा।